हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे खमन ढोकला, जो कि बहुत सॉफ्ट एंड स्पंजी होने वाला है। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो में दिए गए सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो कीजिए और आपका ढोकला एकदम परफेक्ट बनेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक बोल में एक कटोरी बेसन को छान लिया है। बेसन छन चुका है, अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें एक छोटी चम्मच अदरक और एक छोटी चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच सैट्रिक एसिड ऐड करेंगे, आप इसकी जगह पर नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। दो चम्मच रवा यानी कि सूजी, दो चम्मच मिश्री पाउडर, आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी का भी यूज कर सकते हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए 5 मिनट तक इसी तरीके से फेटेंगे। हमारी पेस्ट की कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे जिसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हमने जो पेस्ट तैयार किया था उसमें हम एक इनो सैशे ऐड करेंगे। हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। इनो से हमारा पेस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे अपने उस बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे जिसको हमने ग्रीस किया था। ध्यान रहे हमें इनो ऐड करने के तुरंत बाद इसे शिफ्ट कर देना है। अब बर्तन को एक दो बार ऐसे टैप करके पेस्ट को इवन कर लेंगे। अब हमने फ्लेम पर एक बर्तन में पानी रखा है जिसको हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। बॉईल पानी में स्टैंड के ऊपर हमें अपना ये ढोकला का पेस्ट रखना है। आप स्टैंड की जगह पर कटोरी का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसे 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर ढककर छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद हम अपने ढोकला को चेक करेंगे। आप इसे चेक करने के लिए टूथपिक या फिर नाइफ का भी यूज कर सकते हैं। टूथपिक एकदम क्लीन है, इसका मतलब हमारा ढोकला अच्छे से बन चुका है। चलिए अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। आपको इसे बहुत ही केयरफुली बाहर निकालना है क्योंकि ये बहुत गर्म होगा। अब हम 5 से 10 मिनट ढोकला को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इसी बीच हम ढोकले के लिए तड़का तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमने एक पैन में ऑयल को हीट कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच मस्टर्ड सीड, 3 से 4 लंबी कटी हुई हरी मिर्ची, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 10 से 12 करी पत्ता। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच बारीक कटा हरा धनिया। मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास पानी। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, आधा चम्मच नमक, जब इसमें बॉईल आ जाएगा तब हम इसमें 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे। हमारा ढोकला ठंडा हो चुका है और हमें इसकी किनारियां चुटाने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये खुद ही अलग हो गई हैं। अब हम एक थाली लेंगे और ढोकले को थाली के साथ फ्लिप कर देंगे। इसको ऊपर से टैप करेंगे ताकि ढोकला थाली में निकल जाए। ढोकला के बर्तन को हटा लेंगे। देखिए ढोकला कितना परफेक्ट बनके तैयार है। ये बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पंजी है। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे बीच से कट करेंगे, इससे सारे पार्ट्स इक्वली कट होंगे। इसी तरीके से हम इसे साइड से भी कट कर लेंगे। अब हम इसे अपोजिट साइड से भी कट करके इसके स्क्वायर पीसेस निकाल लेंगे। अब हमने जो तड़का प्रिपेयर किया था उसको इसके ऊपर पोर कर लेंगे। तड़के को हम ढोकले के ऊपर इक्वली पोर करेंगे। तड़के से ढोकले में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और ये और भी सॉफ्ट बन जाएगा।
हमारा ढोकला बन के रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी रिव्यूज़ दें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम न्यू रेसिपी के साथ। गुड बाय।